बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू जूलॉजी कॉर्नर। आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है 21st अमाइनो एसिड भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उसका क्या नाम है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आज तक 20 अमाइनो एसिड्स के बारे में बताया गया है, जिसमें से 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट ने 21वां और 22वां अमाइनो एसिड भी डिस्कवर किया है रिसेंटली, जिसमें से जो 21st अमाइनो एसिड है उसका नाम क्या है, सेलिनोसिस्टीन है। और होप्स हो कि आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली बुक्स के अंदर जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं हमारी, उसमें 20 अमाइनो एसिड्स के बारे में ही बताया जा रहा होता है। तो 20 अमाइनो एसिड जो है ये ज्यादातर प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ, 21st अमाइनो एसिड जिसका नाम है सेलिनोसिस्टीन, इसको भी एड कर दिया गया है। और इसकी एक्टिव साइट्स जो होती हैं वहाँ पे क्या होता है, कुछ एंजाइम्स या प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनको सेलिनो प्रोटीन्स कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज है, ग्लाइसिन रिडक्टेज है, 5-डायोडाइनेज है, थायरिडोक्सिन रिडक्टेज है। और सेलिनोसिस्टीन जो होता है ये एक ऐसा गैर मामूली अमाइनो एसिड है जिसके अंदर क्या होता है, ट्रेस एलिमेंट सेलिनियम भी पाया जाता है, यानी इसमें सल्फर की बजाय क्या होता है, जैसे आपको पता है ना सिस्टीन के अंदर सल्फर होता है, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि सेलेनियम पाया जाता है। अब देखें कि ये भी एक इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सेलिनोसिस्टीन है ये प्रोटीन्स में कैसे ऐड होता है। तो अब सेलिनोसिस्टीन को ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन्स के अंदर जो कोडॉन होता है जिसका नाम UCA है, ये ऐड कर रहा होता है। और आपको पता है जैसे UAA, UAG और UGA वगैरह जो है, या UCA, अब ये वाले ऐसे कोडॉन हैं जो कि स्टॉप कोडॉन होते हैं, जो प्रोटीन सेंसेस को वैसे जो होता है नॉर्मली क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यही जो कोडॉन है वो सेलिनोसिस्टीन को जो है प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेशन के दौरान ऐड कर रहा होता है। इसी तरह से जो एक और यूनिक फीचर सेलिनोसिस्टीन का है वो ये है कि इसको जो है एंजाइमेटिकली जनरेट करवाया जाता है फ्रॉम सेरीन, यानी सेरीन अमाइनो एसिड से ही ये सेलिन जो होता है ना सेलिनोसिस्टीन बन रहा होता है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, जिसका नाम है सेलिनोसिस्टीन ट्रांसफर आरएनए। और उसके बाद इसको फिर प्रोटीन के अंदर जो है ना वो ऐड किया जाता है, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है।